नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार आपको एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। दोस्तों, पूरा एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, बस आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है, किस डेट को है, यानी किस शिफ्ट में है और कहां पर है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद यहां पर सिंपल सर्च करना होगा एसएससी। दोस्तों, एसएससी आपको जो है सर्च करना है, या फिर दोस्तों आप जो है एसएससी जिस भी रीज़न में आपने अप्लाई किया है वो रीज़न भी लिख के सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है एसएससी एनआर का एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो सिंपल आपको एसएससी एनआर लिख के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले ही दिख रहा होगा दोस्तों कि आप जो है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं टायर वन का। तो इस पर आपको क्लिक करना है स्टेटस फॉर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल नीचे आना है। आप जो है अपने नाम से, अपने फादर नेम में से और अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। सिंपल आपको अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करके सर्च रिजल्ट पर क्लिक करना है। तो आप अपना एडमिट कार्ड, यानी आप जो है अपना स्टेटस देख सकते हैं कि किस दिन आपका जो है एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है और किस सिटी में है। इसी प्रकार दोस्तों आप अपने रोल नंबर से या फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 7 दिन पहले आप जो है अपना डिटेल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।